नमस्कार फ्रेंड, इंडियन शेफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा आलू व्रत के लिए। फ्रेंड, हमने जीरा और आलू को बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया मखाना, मूंगफली, कुछ काजू कटे हुए, कुछ बादाम, भुना हुआ जीरा पीस कर ले लिया है, आपका स्वागत है, ये साबुत जीरा लिया है, घी लिया हुआ है, दो हरी मिर्ची कट के ले लिया है, ये हमने सेना नमक लिया है। व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने तेल का यूज नहीं किया है, घी का यूज किया है। इसमें गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई को रख देते हैं, कढ़ाई में घी डाल देते हैं, जीरा डालेंगे कढ़ाई में, पहले मखाना डालेंगे इसमें हम, मूंगफली डालेंगे, कटी हुई मिर्च डाल देंगे, बादाम डालेंगे, काजू, आलू डालेंगे, नमक, जीरा आलू को ढककर पका लेंगे। चेक करते हैं फ्रेंड्स, काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, 2 मिनट ढक के पकाएंगे इसको। फ्रेंड चेक करते हैं, मेरा जीरा आलू बनके तैयार हो गया। फ्रेंड कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी है ये मेरा जीरा आलू, बिना बॉयल किए हमने इसको बनाया है, बिना तेल का, हमने यहाँ घी का यूज़ किया है, सेना नमक का यूज़ किया है, ये व्रत वाले हैं। फटाफट हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड हमारा जीरा आलू बन के तैयार हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।